हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग? सो गाइस, आज हम गए थे आगा खान पैलेस। ऑलरेडी मैंने इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। सो वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, इसी मतलब लंबा हो गया था, इसकी वजह से मैंने सेकेंड पार्ट कर लिया है। और इस पार्ट में हम देखेंगे जो आगा खान पैलेस में मेन चीज़ है, मतलब जो गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, इनकी जो समाधि है, तो वो हम देखेंगे। सो हम अभी समाधि की ओर ही चल रहे थे। ये जो कैंटीन की ओर से रोड आता है, तो वहाँ से हमें समाधि की ओर लेके जाएगा। सो एक तरफ हमें वो पैलेस मिलेगा और राइट की ओर समाधि को रोड है। सो उन्होंने काफ़ी अच्छे से वहाँ पे एरोज वगैरह दे रखे थे ताकि लोगों को कुछ परेशानी ना हो, क्योंकि उसका एरिया काफ़ी बड़ा है और कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ से हम आ गए थे। तो इसकी वजह से उन्होंने एरो सिस्टम कर दी है। तो जो हमें समाधि का एरिया है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है और पीसफुल मतलब एनवायरनमेंट है वहाँ पे। तो आप देख सकते हो उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, रेड इन कलर में उसके वॉल्स हैं एवरीवेयर। और आगे जाके हमें वो समाधि दो तीनों की मिल जाएगी। और गांधी जी और कस्तूरबा गांधी के साथ उनके एक फ्रेंड थे, उनकी भी वहाँ पे अस्थियों को स्थापित किया है। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है कि क्या क्या मतलब यहाँ पे कैसे उनको स्थापित किया था। वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी है और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। आप देख सकते हो ग्रीनरी के साथ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो और शूज़ आपको बाहर निकालने हैं, अंदर जाने के लिए शूज़ और चप्पल अलाउड नहीं है। और गाइस, इतिहास से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी बातें आपको वहाँ पे जाके समझ में आ जाएगी और पता चलेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जितने भी इतिहास में जो भी कुछ घटा है तो वो सारा वहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है और आप वहाँ से रेफर भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छा विजिटिंग प्लेस है, आप अच्छे ज़रूर वहाँ पर विजिट करना। तो देखिए, जो अभी दिखाया था वो गांधी जी का था और ये कस्तूरबा गांधी जी का है। वहाँ पे उन्होंने नाम भी दे रखा है। और ये है महादेव देसाई का, जो उनके फ्रेंड्स थे, इन्हें भी यहाँ पे होम अरेस्ट करके रखा था। और कस्तूरबा गांधी जी की यहाँ पे ही मतलब मृत्यु हो गई थी, इसकी वजह से उनको यहाँ पे स्थापित किया था। और उसके बाद गांधी जी कई बार यहाँ पे आए थे और यहाँ पे विजिट करके गए थे। और उनकी एक इच्छा थी कि यहाँ पे ही उनको अस्थियों का स्थापित किया जाए। इसकी वजह से गांधी जी की जब मृत्यु हो गई थी तो तभी यहाँ पे उनके अस्थियाँ आके स्थापित किया था। जैसे कि आपको पता है उनकी मौत मतलब मृत्यु दिल्ली में हुई थी, तो वहाँ से यहाँ तक उनकी अस्थियों को लाके स्थापित किया था। तो काफ़ी इतिहास अच्छा है इसका और आप वहाँ पे जाके मतलब पढ़ सकते हो। बहुत बड़ा इतिहास है इस पैलेस का। और अगर आपको इतिहास में रुचि है तो मस्ट विजिट दिस प्लेस, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये इस प्लेस को विजिट करने के बाद। तो आप देख सकते हो काफी अच्छा है और पुणे से काफी नजदीक में पड़ता है ये वाला, और हाईवे के नजदीक ही है। सो यू मस्ट वॉच। एंड या थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो। और लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना।